चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब का यहाँ पे लाल बटन है, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। और इंडसइंड बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में आज बात करेंगे। एक ज़बरदस्त बैंक है और उनके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं क्वार्टर वन के, यानी फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर वन के, फाइनेंशियल ईयर 2020 के यानी जून के। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ फंडामेंटल हम पहले देख लें किस भाव पर ट्रेड हो रहा है। इंडसइंड बैंक 1469 रुपये BSE पे 16 जुलाई 2019 है, 2:15 हो चुके हैं। साल का जो लो बनाया था इसने 1313 रुपये और हाई था 2038 रुपये। तो अभी जो ट्रेड कर रहा है 1471 यानी अपने लो के आसपास है, 1333 के नज़दीक ही है। तो काफ़ी गिर चुका है स्टॉक। और हम इसके मार्केट कैप अगर देखते हैं तो मार्केट कैपिटल है 1,21,88 करोड़, एक लार्ज कैप की बैंक है और फेस वैल्यू अभी भी 10 की है। एक साल में जो रिटर्न है नेगेटिव में है 23% के आसपास, और 6 मंथ में 2.13% के भी आसपास नेगेटिव रिटर्न है। पी रेशियो है 30.94 की, EPS है 47, प्राइस टू बुक है 4.30, डिलीवरी है 32% के आसपास और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। हम आगे देख लेंगे। तो अन्य बैंकों की तरह ये भी प्राइवेट सेक्टर की एक ज़बरदस्त बैंक है। जिस प्रकार सारी बैंकें करंट सेविंग अकाउंट FD वगैरह करती हैं, ये भी उस तरीके से करती है, लोन्स वगैरह भी देती है और कंप्लीट एक प्राइवेट ज़बरदस्त बैंक है। और फाइनेंशियल हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्च 19 से यानी जून 19 पे क्वार्टर वन के फाइनेंशियल 2020, तो मार्च 19 में जो इनकी इंटरेस्ट अर्निंग थी 5,991 करोड़ की, वहीं जून 19 में हो गई 6,961 करोड़ की, जो कि 16.19% की अपसाइड है। इवन वन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे 25.31% के अपसाइड है। और अगर हम देखें थोड़ा सा यहाँ पे NPA 0. मामूली सा NPA इंक्रीज है, लेकिन कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे इनको जहाँ मार्च 19 में थी 360 करोड़ की, वहीं जून 19 में हो गए 1,432 करोड़, यानी कि ज़बरदस्त 297% के आसपास अपसाइड है। वहीं पे अगर हम जून 18 से जून 19 में कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो इंटरेस्ट अर्निंग जहां 5,068 करोड़ की थी जून 18 में, वहीं जून 19 में हो गई 6,961 करोड़, जो कि 37.36% की अपसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 35% के आसपास की अपसाइड है, वहीं नेट प्रॉफिट में भी 38.31% की अपसाइड है। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर के भी अच्छे रिजल्ट्स हैं इनके, नो डाउट एक अच्छी बैंक है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स के पास 16.8% की होल्डिंग है और कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं। म्यूचुअल फंड्स के 36 स्कीम्स हैं और FIIs ने तो भर रखा है। आप FIIs देखेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 563 और 53.53% की इनके पास ज़बरदस्त होल्डिंग है, तो आप देख ही सकते हैं। और इंडिविजुअल हैं हम जैसे खुदरा ग्राहक 7.24% के आसपास, जो कि कम है। तो ज़बरदस्त बैंक, और डिविडेंड इन्होंने दिया था लास्ट ईयर 7.5 रुपया पर शेयर के हिसाब से 18 जुलाई 2018 को। और इस बैंक में जो अच्छी देखने वाली चीज़ जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है वो है रिटेल बैंकिंग, जिसमें इनको टॉप सेगमेंट में रिटेल बैंकिंग ही है। 52.66% की इनको यहाँ से रेवेन्यू है, जबकि कॉरपोरेट होलसेल बैंकिंग 31% है, ट्रेजरी से 15% के आसपास है और अपने इंडस्ट्री में 5वें स्थान पर है। रिटर्न अगर हम देखते हैं 10 सालों में, तो 10 सालों में इसने दिए हैं 1612% के आसपास, यानी कि अगर आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता 10 साल पहले तो आपके हो चुके थे 17 लाख समथिंग। 5 सालों में 170% के आसपास के ही रिटर्न है, 4 सालों में 57% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न है, जो कि कम है। 3 ईयर्स में भी थोड़े से कम है, क्योंकि 38% के आसपास है, लेकिन 2 सालों में लगातार यहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न हैं, काफ़ी गिर चुका है स्टॉक प्राइस। और 1 मंथ में ही सिर्फ इसमें थोड़े से 2.77% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, जिन्होंने 1 महीने पहले पैसे लगाए थे उनको 3% के आसपास के रिटर्न दे रहे हैं, बाकी 2 साल से लगातार इसमें नेगेटिव रिटर्न है। तो एनीवेज एक बेहतरीन बैंक के यहाँ फंडामेंटल्स अच्छे आए हैं। और अभी इस पर हमें क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडसइंड बैंक का काफ़ी इसमें पोटेंशियल है, लेकिन देखने वाली बात है कि अभी इसमें कहाँ तक गिरावट है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन बहुत सारे RBI की तरफ से गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस जो आती हैं, इनके मार्जिन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बैंकों की स्थिति थोड़ी सी अभी
काफ़ी चिंताजनक है। तो हमें अगर नीचे के लेवल पे और मिलता है, क्योंकि ये बड़ी प्राइस का है, 1470 रुपये रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर उसने 10 शेयर भी ले लिए तो भी 14,000 से आसपास, 15,000 के आसपास हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो आकर्षित होते हैं रिटेल निवेशक, वो छोटी प्राइस में होते हैं। तो जैसे मैंने अभी IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें अभी चूँकि अभी उनके फाइनेंशियल अभी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आने वाले दो तीन क्वार्टर के बाद ही उसमें एक स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैंने उसमें एक बाई कॉल इसलिए कि थोड़ा थोड़ा लेते रहें जो लोग लंबे समय के निवेशक, जिनको लगता है कि 5 से 10 साल। तो इसी प्रकार से इंडसइंड बैंक में मैंने यही सोचा है कि फ़िलहाल अभी इसमें बाइंग ना करें। अगर और किसी कारण से नीचे के लिए मिलता है तो घुस जाएं, और अच्छा मुनाफा मुझे लगता है इस बैंक में आगे आने वाले समय में मिल सकता है। तो दोस्तों, ये इसके फाइनेंशियल थे मैंने जो बताए आपको, और चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।